हम जा रहे हैं कहाँ? सॉन्ग लगा पैकेजेस। ओहो, मैंने आपके साथ एक वो करना था प्रैंक, लेकिन मैं भूल गई। चलो हम पहले जाएंगे हिना को लेंगे, सबने क्लैपिंग कर दी। उसके बाद जो है ना वो हम पैकेजेस जाएंगे, ठीक है? ओके दैट दिस नाइस। अच्छा जब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपका कॉमन सेंस है? ऐसे तो ना के नहीं, बाकी नहीं है ना, है ना? पूछो है मेरे एक बंदा है दूध बेचने वाला है, ठीक है? और उसमें जो है ना उसके पास ना दो बर्तन है, एक 3 किलो का है और एक 5 किलो का है। एक और बंदा आता है, उसने 1 किलो दूध लेना है, तो वो कैसे देगा, नापेगा कैसे? उसके पास बर्तन ही 2 किलो का है, तो वो नहीं, उसके पास एक 3 किलो का बर्तन है और एक उसके पास 5 किलो का बर्तन है। हाँ तो ठीक है, ठीक है। और उसने दूध देना है 1 किलो किसी को, तो वो कैसे देगा? वो दो जो जो बर्तन के अंदर 1 किलो डाले बस, उसको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि बर्तन ही 5 किलो। तो वजन ही उसके पास नहीं, उसके पास वजन नहीं, पता नहीं क्या करना उसने, यहाँ से उन्हें लेफ्ट हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि बर्तन ही 5 किलो। वजन ही उसके पास नहीं, उसके पास वजन नहीं, पता नहीं क्या करना उसने, यहाँ से उन्हें लेफ्ट हो जाएगा। बताओ मुझे नहीं पता, तो मैं ना ये हॉर्न की वजह से परेशान हो गया। बहुत जरूरी है हॉर्न यार, बहुत जरूरी। इन्होंने तो बताना नहीं है, चले हिना आती है तो मैं उससे भी यही सवाल पूछूंगी और फिर देखूंगी कि ये दोनों मुझे क्या जवाब देते हैं। और अब जो है वो हम हिना को उसके ऑफिस से पिक करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम पैकेजेस जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट होना? हाँ यहाँ से। उसके बाद जो है वो हम पैकेजेस जाएंगे और फिर कुछ लेना हुआ तो ले लेंगे, वरना घूम फिर के आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अम्मी की तरफ, मैंने हिना को कॉल करनी है तो मैं उस पर कॉल करूँगा। आपके फोन से करूँ? डिड यू हैव बैलेंस? बड़ी है मस्त। उसको मेरे यूफोन वाले नंबर से कॉल कर लो, मेरे पास पैकेज है। ओके आपने क्यों किया? मेरे पास है तो मैंने कस्टमर्स को कॉल करनी थी। वो ऑडी किसकी किसकी है गाड़ी? उसकी मैडम की है शायद, बनता भी है उसके पास। तब ऐसा उसके पास अभी हम हिना के ऑफिस के बाहर पहुँच चुके हैं। हाँ हेलो, आ जाओ हम आगे। ये देखो इरशाद, इरशाद की बेली। अब हमें ये घंटा इंतजार कराइए। अच्छा मुझे बताए ना, गंदा गाना आ गया, चलो सुनते हैं। अब मुझे बताए ना जवाब यार, मुझे नहीं आया उसका आंसर। एक बंदा है, सोचिए ना। अच्छा इसको मैं बंद कर देती हूँ, आपका सारा ध्यान यार। एक बंदा है, देखिए इट इज अ वेरी इजी एंड कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एक बंदा है, उसके पास जो है दूध बेचने वाला है, उसके पास एक 3 किलो का बर्तन है और एक उसके पास 5 किलो का बर्तन है, और उसके पास एक बंदा आया जिसने 1 किलो दूध चाहिए उसको, और वो कैसे नाप के देगा? देखें दूध देने के लिए ना बर्तन की जरूरत नहीं होती नापने के लिए, नापने के लिए वजन के लिए होती है। अल्लाह, वजन रखते हैं साथ, 1 किलो का वजन, 2 किलो का वजन, वो नहीं है उसके पास। नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसने बस बर्तनों में नापना है, वो कैसे नापेगा? यार वो ए 2-3 किलो का बर्तन है उसके पास, एक 5 किलो का है और एक 3 किलो का है, दूध उसने देना है 1 किलो किसी को, तो वो कैसे नापेगा? वो 3 किलो वाले के अंदर आधे का आधा डाल दे, वो 1 किलो ही बचेगा। उसको कैसे पता चलेगा आधे का? 1/3 तो उसके पास कौन सा वो है ऐसा कुछ के वो 1/3 नाप दे? नजर में आई है, नजर पता चल ही जाता। बताओ ना, मुझे नहीं पता यार, सोचो ना यार। नहीं आ रही हूँ, अहमद बोलो, मैं हार गया, मैं हार गया। अगर मैं आपको बताऊंगी फिर जब हिना से मैं पूछूंगी ना तो आप उसको नहीं बताएंगे? नहीं मैं मुझे पता ही नहीं आंसर। हार गए, हार गए, हार गए। ओके उसके पास एक 5 किलो का बर्तन था, एक 3 किलो का बर्तन था, उसने 3 किलो वाले बर्तन में दूध डाला और 5 किलो वाले बर्तन में डाल दिया,
ठीक है, उसमें 5 किलो वाले में 3 किलो हो गया। अब फिर उसने 3 किलो वाले में फिर उसको भरा, फिर उसने 5 किलो वाले को भरा उसमें से, तो वो 2 किलो उसमें आ गया और 1 किलो भाई क्या किया उसने उसने ना सुने तो सही 5 किलो वाले बर्तन में ना उसने उसको फुल भर दिया, 3 किलो वाले में 2 दफा डाल के, उसमें तो 5 किलो आना था, 1 किलो तो बच गया बहुत लेम था, लेम नहीं था। कहाँ पे सुना है आपने ये सवाल? चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो ये आ गई है अभी, मैं डेड लग रही हूँ। डल? डेड, मरी भी। अच्छा एक मिनट, अभी गाड़ी ना चलाना, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, मैंने अभी जवान से पूछा था, ठीक है? एक बंदा है, ठीक है, वो दूध बेचता है, अभी गाड़ी ना चलाना, दूध बेचता है, सुनो तो सही यार, कॉमन सेंस है तुम्हें पहले मैं 1000 सवालों की उसको जवाब वर्दा को दे के आई हूँ, मैं तुम्हें सुनो सुनो कॉमन सेंस का सवाल, ठीक है, बेचारी कमजोर होगी जवाब दे दे सुनो एक बंदा है दूध बेचता है, उसके पास एक 5 किलो वाला बर्तन है और एक उसके पास 3 किलो वाला बर्तन है, ठीक है? अब उसमें भी कोई गवाला लग कॉमन सेंस है। फिर उसने उसके पास एक बंदा आता है, उसने उसको 1 किलो दूध चाहिए, तो वो कैसे नाप के देगा? चलो मुझे नहीं पता, अब जवाब बताओ बताओ तो सही, थोड़ा सा सोचो, दिमाग नहीं चल रहा यार, मिस कर रहा हूं। बेचारी काम करके आई है, देखो उसके पास 5 किलो वाला बर्तन था ना, ठीक है, और उसके पास 3 किलो वाला बर्तन है, उसने 3 किलो वाले बर्तन में दूध डाला, ठीक है, उसको डाल दिया 5 किलो वाले बर्तन में, ठीक है, फिर उसने 3 किलो वाले बर्तन में दूध डाला, उसको डाल दिया 5 किलो वाले बर्तन में, पहले 5 किलो वाले में 3 किलो दूध वाले से भी ज्यादा बेहतर है काम रखती है। पहले 5 किलो वाले, 6 किलो पहले 5 किलो वाले में 3 किलो था, अब उसमें और आ ही नहीं सकता, उसमें 2 किलो आना है ना, और 5 किलो वाला भर जाएगा तो 1 किलो बच जाएगा। जवाब इसी जगह आ रही, इसी बात करो, ठंड हो गई ठंडा था इसकी जुगतों से डर। चले कुछ खाया भी है? ऑफिस में अच्छा दिन नहीं गुजरा क्या? नहीं बता मेरी हिना, नाउ वी आर गोइंग टू पैकेजेस, इतने सारे नहीं खाने का मजा आता, थोड़े थोड़े खाने का मजा आता। तो कहती हाँ अपने लिए तो तुम जिधर मर्जी चली जाती हो, ये खाए तो ये जा नहीं रही, उसका बनाया था अच्छा था। एक साथ में नमक क्या होगा, है ना, एंड में बहुत था वो अलग से था कोई अच्छा गाना ही नहीं मिल रहा। अच्छा, जब से मैंने वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो सीन देख लिया है ना, तो मैं DHS सिनेमा को तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, का वहां पे इतना क्राउड होता है, सारा इतना क्राउड होता है, सॉन्ग अपलोड किया था, इनको बड़ा पसंद आया जो तुमने गाया था, पूरा अपलोड किया था।
वेरी बोर बोर बस ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर तो आपकी वीकेंड्स आते हैं एक वीकेंड पे तुम लोग नहीं आते ठीक है एक वीकेंड पे तुम लोग आते हो और वो वीकेंड अच्छा एक हफ्ता छोड़ के हम ठीक है वो वीकेंड फन होता है कुछ हैपनिंग होता है ठीक है सुजी ने एक भी थी तुम लोग कोई वो ट्रिप भी कर सकते हो कौन सा लाइक आउट ऑफ कंट्री भाई साहब इतना पैसा ले साडे को ओ भाई सिस्टर तुम्हारी सोच है इतना एक्सपेंसिव जितना स्कर्दूगा लगेगा ना उससे 2 लाख एक्स्ट्रा लगेगा अगर जहाज पे जाते हो अगर जहाज पे जाते हो बाय दुबई का दुबई कर लो टर्की भी कर सकती हो वैसे इतना भी नहीं है जो मेरी वीडियोस बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं इतनी गलत बात है करते हैं सब्सक्राइब क्या जाएगा आपका एनर्जी जाएगी मेरी गाड़ी का मुझे दुनिया के हर बंदा अन्ना है मैंने एक क्वेश्चन पूछती सुना है आप में कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है और मेरे में तो नहीं है वो हिना में है कॉमन सेंस चले देखते हैं यार मैं क्या चुड़ैल बनी हूं अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सा काम है जो हम एनक के बगैर नहीं कर सकते देखना एनक के बगैर देख नहीं सकते तुम यंग के नहीं जिस बंदे की आईसाइट वीक होती है मैंने ओवरऑल पूछा वो काम कोई भी कर सकता है मैं कर सकता हूँ हाँ करता हूँ ऐसा कौन सा काम है कभी किया मैंने वो काम ऐसा कौन सा काम है जो एनक के बगैर नहीं हो सकता चावल नहीं चुन सकते आप नहीं वो तो जिसकी नजर कमजोर है जिसकी नजर कमजोर होगी वो नहीं चुन सकेगा इसीलिए कह रही हूँ एनक वही पहनते हैं जिसकी नजर कमजोर होती है ये आंसर पता क्या है देख नहीं सकता यार एनक के बगैर जीत गया ले मैंने सुना था यही जवाब गलत है अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो एनक के बगैर नहीं हो सकता सनग्लासेस की बात करो या नजर वाली एनक ओवरऑल दोनों एनक के बाद उल्टा क्वेश्चन करो इससे ऊपर से आओ ऐसा कौन सा काम है जो एनक के बगैर नहीं हो सकता बस उस पर क्यों गुस्सा उतार रही है ये मेरा दिस इज फॉर सनग्लासेस या नजर वाली दोनों या सनग्लासेस के बगैर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता सूरज को नहीं देख सकते हम दर्द होती है ना नहीं जो तरक्जी को पसंद करती थी ना उसने जहर देना था खजिस्ता को खजिस्ता को बर्फी जो है वो बहुत पसंद थी उसने बर्फी रखी हुई थी सिर्फ एक तो वो ना तरक्जी कहते कि मैं वो चीज खाता हूँ जो तुम्हें पसंद है सबसे पहले वो चीज मैं खाऊंगा वही बर्फी उठा के खाता है उस बर्फी में जहर होता है वो फिर मर जाएगा कौन से काम जो है इनको का काम नहीं हो सकता एनक के बगैर मारो मुझे मारो ये वैसे अच्छा लगा अच्छा था ये पता था इसका आंसर कैसे भी लेम सा होगा ये लेम सा नहीं कॉमन सेंस का है देख नहीं सकते अच्छा एक और चीज ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में नहीं है लेकिन हम उसे देख सकते हैं दुनिया में नहीं नहीं है दुनिया ख्याल ऑक्सीजन नहीं ख्याल तो हम सोच सकते हैं ना देख भी सकते हैं ख्वाब हाँ ख्वाब देख सकते हैं तो ख्वाब ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में नहीं है लेकिन हम उसे देख सकते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अल्लाह को देख सकते टिक 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 कुदरत को देख सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में नहीं है लेकिन आप उसको देख सकते हैं टिक टिक दुनिया में नहीं है अर्थ में नहीं है ये क्या फजूल बात की है इसने ओह माय गॉड चांद भी था फिर तो चांद भी था तो मेरे दिमाग सितारे भी हैं सारे भी अर्थ से बाहर है सूरज ही था ना यार नहीं यार वो तो दुनिया में है ओह माय गॉड सितारे अर्थ से बाहर है हां और नहीं है
आज ना हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब हुआ जवाद के सामने, जवाद के सामने छोड़ा जवाद उसका कहते पीछे पीछे जैसे उसको तो बड़ा सुन रहा है नेचुरल रिएक्शन। चलिए जी अब हम पैकेजेस पहुंचने वाले हैं, फिर मिलते हैं पैकेजेस जाके। बाय। यहाँ पे भी 50% ऑफ लगा हुआ है डबल बेड शीट पे, और यहाँ पे भी किंग बेड शीट पे ऑफ लगा हुआ है। मैं इनकी फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ। जवाद आपने ये कुर्ता क्यों पकड़ा हुआ है? आपको पसंद है तो बताओ वरना मैं रिटर्न ऑफर। यहाँ पे जो है आप मेरे लिए कुछ लेने गए थे जवाद? हाँ मैंने पसंद भी कर लिया, रख भी दिया मतलब रख दिया कि आपको दिखाता हूँ। लेकिन इनको अच्छा लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो ड्रेस। मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा था। जवाद दिखाना वो कौन सा ड्रेस था जो आपको अच्छा लगा मेरे लिए। जवाद को ना चमकीले भड़कीले ड्रेसेस बहुत पसंद है, वैसे ये अच्छा है। सस्ते में खाना खिलाओगी तो ऐसे ही कहेंगे ना। तुम खिला रही हो, तुम खिला रही हो, अगर तुमने कहा है कि कुछ सस्ता खाओ तो इसलिए आज हम गरीबों की तरह क्रंच कर कर खाए, ऐसा नहीं कहती, और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से इनके लिए जवाद का वेट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ले लेंगे थे आप? आपने तो ये वाला बर्गर मंगवाया। नहीं शिकागो फ्राइज आपके लिए। क्यूट। ये दोनों यहाँ पे ऑकवर्ड सीन बना के बैठे हुए हैं और इनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा किसी एक बंदे की किसी ग्रुप की जासूसी कर रहे हैं। सो हम अब उस बंदे को नोट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। लेट्स सी हमें पता चल पाता है कि नहीं। आप लोगों के बर्गर आ गए, शुरू करें। हम हमारा KFC आया है और निदा मैडम ने खाना है बर्गर लैब। दैट्स व्हाई हम उसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि उसका ऑर्डर आए और हम उसके खाने में बटन करें और शेयरिंग कर सके। तो मैं इनको नहीं दूंगी बिल्कुल भी। और हम बैठे हुए हैं बड़ी गलत जगह पे फूड कोर्ट में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ पे शोर बहुत होता है, इतना रश है कि बस। यहाँ पे शोर बहुत होता है बेसिकली, और गर्मी भी। वैसे संडे को यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा। हां क्या शॉपिंग की है हम लोगों ने बताओ? 10 तकिए लिए। मैं आपको वो तकिए भी दिखाऊंगी जो मैंने लिए हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे। तो ये हमारा खाना आज चंगा है। हमारा खाना, ये मेरा खाना है और ये हिना का और जवाद का। इतना ज्यादा खा लो क्या? हां मैं खा।
डालूंगी। तीन फोक लेके आई है ये देखो। मसाज ले रही थी तो इसलिए मैं देर हो गई मुझे ना, तो हमने कहा अच्छा ठीक है फिर हमें भी ट्राई करवाओ। हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी चेयर्स पे फ्री मसाज, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अभी नीचे यहाँ पे
ठीक है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर, मेरे घर। अब हम इसके घर इसको छोड़ने जा रहे हैं, तो चलें घर जाके मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। खत्म ही कर दिया, अभी तो मुझे गाना आया था। देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरे मेहनों में गुजारी, आके देख ले, आके देख ले। अबे यही तो आता था मुझे जब ये ड्रामा देखे तो सवाद की मेमोरी। हाँ। वो नहीं आती, आती क्योंकि आती। ये सारा ड्रामा सवाद में शुरू है। तेरे दिल नूं सामी फिर दे की फायदा मुटियारे दी, बारह साल मजिया चलाइया छड़े सत्तर हजार, हर साल नाम तेरे तेन पता लगूगा।
कानों का बेड़ा गर्क करने वाली। इधर शुरू हो गई है, टाइम भी तो हो गया ना, 3 बज गए रात के। ये अच्छा गाना ना। देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है, देख रहा है ये फुल मून है। हाँ ओके, अब हम घर पहुंच गए हैं, तो हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोगों का कैसा गुजरा है आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और हम सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तो अब प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम सब की तरह से बाय। तो अब आप जो है वो मेरे जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपने मुझे बताना है कि आपका जो है वो वीकेंड जो है वो कैसा गुजरा। सो हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।